Hello students, today we are going to read noun. Noun, noun, sanya. Noun is the name of a person, place, animal or things. Person, vyakti, place, jagah ka naam, animals, janwar or things, vastu, cheezon ke naam. अब इसको आगे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. पर्सन, पर्सन में क्या क्या आता है? टीचर, डॉक्टर, बॉय, मदर, कॉबलर एसेट्रा आर नाउन. प्लेस, जगह के नाम, ताजमहल, रेडफोर्ड, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज एसेट्रा आर नाउन. थिंग्स, गिटार, क्लॉक, सीजर, कैमरा, पेन, पेंसिल, बुक etc. are nouns. Animals, dog, cow, elephant, monkey are nouns. Noun is the name of a person, places, animal or thing. हम example की तरह इसको समझ चुके हैं. Types of noun, noun के प्रकार. First है common noun, the word used in common for names of people, animal, place or things of the same class of kind. Common noun, जिससे हमें किसी जाति के बारे में पता चलता है, किसी जाति का बोध करवाते हैं common noun में. Girl is cooking food, लड़की खाना बना रही है. The goat is standing, बकरी वहाँ पे खड़ी है. अब यहाँ पे गर्ल साधारण लड़की की बात हो रही है और यहाँ पे बकरी, कोई यहाँ पे प्रॉपर नेम नहीं है, इसीलिए ये कॉमन नाउन. सेकंड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, रिवर आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. दे ऑलवेज बिगन विद कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन में हमेशा प्रॉपर जगह का नाम और लोगों का नाम, नदियों का नाम पूरा दिया होता है. दे ऑलवेज बिगन विद कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई क्या है? बड़ा शहर. थर्ड है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ड्स दैट डिनोट आइडियाज, क्वालिटीज एंड फीलिंग दैट वी कैन नॉट सी और टच आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब हमें कोई आइडिया देता है, कोई गुण के बारे में कोई फीलिंग होती है जिसे हमें टच नहीं कर सकते, सिर्फ अपने को फील होता है, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे ब्रेवरी, उसकी बहादुरी का हमें सिर्फ पता चलता है. काइंडनेस, उसकी दयालुता या उसका बुढ़ापा, ये हमें सारे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कोलेक्टिव नाउन, the words used for groups of people, animals and things, जिसमें पूरे लोगों का groups, animals का कोई झुंड हो, military का group हो, battalion हो, कोई भी मिलकर team में कोई work करता है, उसके उसी collective noun की पहचान होती है. Example, a team of player, एक खिलाड़ियों की team, a flock of sheep, शिप्स का झुंड, ये सारे क्या है? झुंड में मिलकर कार्य करते हैं. इसी के साथ हमारा यह टॉपिक नाउन कंप्लीट होता है. आप इसको दोबारा अच्छे से रीड करना और अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में राइट करना. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.